हमारे चैनल पर बड़े बड़े खूंखार अपराधी और गैंगस्टरों के ऊपर कार्रवाई करने के बाद आज उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार में राज्य मंत्री रहे मोहम्मद इकबाल और कैरियर डेंटल के मालिक अजमत अली, यानी कि दोनों बाप बेटे हैं, और इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने और जब्त की है 256 करोड़ की संपत्ति। इतनी ज्यादा संपत्ति एक व्यक्ति के पास है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों में मंत्री रहे, राज्य मंत्री रहे नेताओं के पास कितनी ज्यादा अवैध संपत्ति निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। एक और बात हम यहाँ पे बता दें कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से, कमिश्नरेट की तरफ से एक प्रेस लेटर रिलीज किया गया है, प्रेस नोट रिलीज किया गया है, जिसमें यह साफ लिखा गया है कि मोहम्मद इकबाल का पिता, जिसने कभी 1998 यानी कि 1988 से शुरुआत की थी, 1200 रुपए प्रति महीने, और आज कितनी ज्यादा संपत्ति है आज इस नेता के पास, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा आज जब्त कर लिया गया है। एक व्यक्ति, एक नेता के पास इतनी ज्यादा संपत्ति, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की सरकार की तरफ से लगाए गए वो तमाम सवाल जवाब जिस तरीके से अखिलेश यादव करते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति नहीं कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, तो ये एक बड़ा झटका है अखिलेश यादव के लिए और अखिलेश यादव के उन नेताओं के लिए जिनके पास इससे भी ज्यादा संपत्ति हो सकती है। अगर हम मोहम्मद इकबाल के बारे में आपको बताएं तो मोहम्मद इकबाल का पिता यानी कि कैरियर डेंटल का मालिक, इसी तरीके के इनके काफी ज्यादा अस्पताल हैं, बॉयज हॉस्टल हैं, और तमाम ऐसी संस्थाएं चलाने वाले ये दोनों बाप बेटे अवैध संपत्तियों पर कब्जा कर पैसा कमाने का पूरी तरीके से गोरख धंधा चला रहे थे, जिसको पूरी तरीके से चौपट कर दिया योगी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। अब हम आपको यहां पर ये जो अंक है यानी कि जितना आंकड़ा है, जितनी संपत्ति को जब्त किया गया है उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा, यानी कि अगर इस संपत्ति को हम आपको तोड़ तोड़ कर दिखाने लगे तो शायद आपको भी इकाई दहाई सैकड़ा करने की जरूरत पड़ जाएगी जिस तरीके से ये संपत्ति को जब्त किया गया है। सोचिए आप कि 2,54,24,09,951 रुपए की ये संपत्ति उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा जब्त की गई है, जिसमें से 10 करोड़ से ज्यादा की तो महंगी गाड़ियां हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। कल ही प्रेस नोट रिलीज कर दिया गया था कि इन दोनों की संपत्ति को जब्त किया जाएगा। सपा की सरकार में नेता रहे और एक एक करके उन सबकी बारी आने वाली है जिन्होंने अवैध लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा करके अपने परिसरों को बना रखा है या फिर वो इस तरीके का गोरख धंधा चला रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि मोहम्मद इकबाल यानी कि सपा की सरकार में रहे इस मंत्री की कौन कौन सी जायदाद है, कौन कौन से वो परिसर हैं जिनको उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा अब जब्त कर लिया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव के नेता यानी कि अखिलेश यादव की सरकार में रहे मोहम्मद इकबाल की कौन कौन सी वो संपत्तियां हैं जिसको उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा अब जब्त कर लिया गया है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि 10 करोड़ से भी ज्यादा महंगी जो गाड़ियां हैं उन्हें जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा तमाम और चीजें हैं जिनको जब्त कर लिया गया है, डेंटल कॉलेज, डेंटल हॉस्पिटल, नर्सिंग कॉलेज, स्टेडियम, इंटर्न भवन, बॉयज कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको अब उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी और जब्त कर लिया गया है। यहां पर जनता की तरफ से यह भी कहना है, हमारा भारत तो आज भी सोने की चिड़िया ही है, बस इस तरीके के लोग हैं जो पैसे को दबाकर बैठे हैं। अब यहां पर एक और ये कहानी भी है कि अब वो कौन सी मीडिया और कौन से वो पत्रकार सामने आएंगे जो ये कहेंगे, विशेष समूह से आने वाला एक विशेष धर्म का जो व्यक्ति है वो डरा हुआ है और उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो धर्म को देखकर की जा रही है। यह देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि एक व्यक्ति जिसने कभी 1988 में 1200 से शुरुआत की थी और आज अरबों की संपत्ति को लेकर इस तरीके से बैठा है। उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि योगी सरकार जब से उत्तर प्रदेश में बनी है 2017 से, तब से ही योगी सरकार की तरफ से कहा गया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर हम चल रहे हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों के ऊपर ये कार्रवाई हुई है, बाप बेटों के ऊपर, जिन्होंने इस तरीके से गरीब जनता
जनता का जो पैसा और गरीब जनता की जो जमीन और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर कर अपना ट्रस्ट चलाने का ड्रामा किया और अस्पतालों को बनाने का ड्रामा किया, जिसके द्वारा तमाम इतना ज्यादा पैसा कमाया गया इनके द्वारा। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इन दोनों बाप बेटों के ऊपर जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है। अगर हम इससे पहले की बात करें तो अजमत अली यानी कि मोहम्मद इकबाल के पिता के ऊपर पहला केस दर्ज हुआ था 2000 में मारपीट को लेकर, क्योंकि तब से ही गोरख दंगा 1996 से शुरू हो चुका था और उसके बाद जिस तरीके से सपा बसपा की सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में आती रही तो उसका ही ये एक नतीजा है। और यही इस तरीके के लोग हैं जो इन सरकारों में इनकी जेब भरी गई और यही एक बड़ा नतीजा है आज जो निकल कर आ रहा है कि इस जैसे गैंगस्टर, चाहे फिर वो विकास दुबे हो, मुख्तार अंसारी हो या फिर मोहम्मद इकबाल जैसे नेता हो, जो सपा की सरकार में जिन्होंने गरीबों का पैसा इस कदर अपनी जेबों में भरा है। अब हम बात करें इनकी तो इन दोनों बाप बेटों के ऊपर पहले ही मडियाओं के घेरा गांव से आता है अजमत अली, यानी कि अजमत अली मोहम्मद इकबाल का पिता, जो कि कभी ऐसे मैंने आपको बताया कि जिसने 1200 से शुरुआत की थी, एक आम संपत्ति को लेकर इस व्यक्ति ने शुरुआत की और अब जाके अरबों की संपत्ति उन पुरानी सरकारों की वजह से कमाई गई, जो सरकार आज विकास का नारा देकर जनता को गुमराह करने का काम करती है। सपा बसपा ने लगातार राज किया है उत्तर प्रदेश में और कभी सपा आई तो कभी बसपा आई, पर कभी भी इस तरीके से कार्यवाही गैंगस्टर और इस तरीके से बेनामी संपत्ति वाले लोगों के ऊपर नहीं की गई। अब 2022 में फिर से चुनाव आने वाले हैं और ये विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार के द्वारा काम नहीं किया जा रहा उत्तर प्रदेश में। और एक और बड़ी बात यहां पर जनता की तरफ से जो किया जा रहा है और ये भी बात अब निकल कर सामने आ रही है कि जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश की पुलिस गैंगस्टर हो, माफिया हो या फिर भू माफिया, आजम खान जैसे लोग, मुख्तार अंसारी जैसे लोग, जितने भी वो तमाम लोग हैं जिन्होंने गरीब जनता का पैसा खाया है और इस तरीके से अपनी जेबों को भरा है, अब उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रही है। कहीं यही तो एक रीजन नहीं, कहीं एक यही तो कारण नहीं जिसकी वजह से अभी अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था कि उन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है। भरोसा होगा भी कैसे तो अखिलेश यादव को, क्योंकि अखिलेश यादव की और मायावती की सरकार में पैसा कमाया, जिस तरीके से लोग पैसा कमा रहे थे, गोरख धंधे कर रहे थे, उनकी जेबें भरी जा रही थी, पर आज वही पुलिस जो कभी भैंसे ढूंढती थी, आज वही पुलिस गैंगस्टर माफियाओं को और मोहम्मद इकबाल जैसे भू माफियाओं को जेल के अंदर डाल रही है, कार्रवाई कर रही है और उनकी बेनामी संपत्तियों को जब्त कर रही है। अगर हम यहां पर बड़े बड़े गैंगस्टरों को लेकर बात करें तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से तमाम ऐसी बड़ी कार्रवाई है जो इस तरीके के गुंडे माफियाओं को लेकर की गई है, जिसमें से एक मुख्तार अंसारी का नाम भी है और मुख्तार अंसारी से भी ज्यादा तो संपत्ति इस मोहम्मद इकबाल के पास निकल आई है कि आखिरकार ऐसा क्या काम करता था मोहम्मद इकबाल के इतनी ज्यादा संपत्ति मोहम्मद इकबाल के पास आ गई। सिर्फ एक राज्य मंत्री था सपा की सरकार में और उसके बाद इतनी ज्यादा संपत्ति जिसको लेकर कभी भी अखिलेश यादव की सरकार और पुलिस की तरफ से कभी कार्रवाई की गई थी या फिर नहीं, पर आज जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है। अब थोड़ी सी बात करते हैं जनता के रुझानों की कि आखिरकार ये जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से की गई है, नोट उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से कल ही जारी कर दिया गया था और कल ही कह दिया गया था ये जो अरबों की संपत्ति मोहम्मद इकबाल और उनके पिता के पास है इसे जब्त कर लिया जाएगा। नोटिस जारी करने के बाद, सारी तथ्यों की जानकारी सार्वजनिक करने के बाद ही उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा ये कदम उठाया गया है और आज जनता इसको लेकर वाहवाही कर रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की जो नीतियां हैं गुंडागर्दी और जिस तरीके से गैंगस्टरों को लेकर कदम उठा रही है योगी सरकार, उससे और भी राज्य सरकारों को सीख लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार गुंडा माफियाओं को लेकर कदम उठा रही है। अब बात कर लेते हैं आगामी 2022 में आने वाले चुनावों को लेकर। एक तरफ अखिलेश यादव के नेता और अखिलेश यादव की तरफ से जो चीजें की जा रही हैं उनको लेकर सच्चाई जनता के सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वो पिछड़ी जातियों को अपने साथ लेकर आएंगे। दूसरी तरफ अगर मायावती की बात करें तो मायावती की तरफ से ब्राह्मणों को साधा जा रहा है और अखिलेश यादव अब पिछड़ी जातियों को साधने की बात कर रही है, पर जनता अच्छी तरीके से जानती है कि ये सिर्फ जनता को गुमराह करने वाले निशाने हैं, तीर हैं जो छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि पुराने सालों में जब सपा बसपा की सरकार रही है तो जन्म दिया है सिर्फ विकास दुबे जैसे गैंगस्टरों को, मुख्तार अंसारी जैसे
बाहुबलियों को और राज्य मंत्रियों को और जो आम मंत्री इनकी नेता इनकी जो सरकारों में थे जिन्होंने सत्ता का जनता का विकास करने की कसमें खाई थी पर उन्होंने किया किया विकास के नाम पर सिर्फ अपनी जेबें भरी और अरबों की संपत्ति बनाई गई। आज उसी संपत्ति को लेके योगी सरकार जब बड़ी कार्यवाही कर रही है तो विपक्ष को बहुत ज्यादा इन सारी चीजों से दिक्कत है और तभी विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल सादे जाते हैं। योगी सरकार और प्रशासन और पुलिस को भी नहीं बख्शा जाता। खैर अब 2022 में चुनाव आने वाले हैं, जनता अच्छी तरीके से जानती है, जनता के रुझान हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं और जिस तरीके से चीजें आ रही हैं उत्तर प्रदेश या फिर पूरे देश से जुड़े हुए मुद्दों की और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।